लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे आपके इनपुट डिवाइस के बारे में और हमने थोड़ा ही चैप्टर किया था। हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अभी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर को कमांड इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर देने के लिए बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। उनमें से कीबोर्ड और माउस जो प्राइमरी होते हैं इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम बचे हुए इनपुट डिवाइसेस एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। मैं और आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो हमारे पास एक माइक है, उसी माइक्रोफोन की सहायता से आप बोल करके कमांड देते हैं। जैसे आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट है, आप उसे कमांड देते हैं हेलो गूगल और हेलो श्री जो भी आपने ऐड किया हुआ है, और आप उसे कमांड देते हैं तो वो फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, साथ ही साथ स्कैनर। अब होता क्या है कि आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ही स्कैनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप उसमें एक ऐप का इस्तेमाल कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक छोटी सी जैसे फोटोकॉपियर मशीन होती है, उसी में PCS आ गया है, प्रिंटर कॉपियर स्कैनर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर आप अलग से स्कैनर लेते हैं तो दो अलग अलग टाइप के स्कैनर होते हैं। स्कैनर में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक पुरानी फ़ोटो है और उस फोटो की एक कॉपी आप बनाना चाहते हैं कंप्यूटर में, सॉफ्ट कॉपी, तो आप उसे स्कैन कर लेते हैं। आजकल तो हम लोग फ़ोटो की फ़ोटो कर लेते हैं, CTC कॉपी टू कॉपी बना लेते हैं, वो भी एक टेक्निक है। तो आप कैमरे से भी उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कुछ और इनपुट डिवाइस जैसे कि डिजिटल कैमरा और वेबकैम। मैं और आप जिस कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक वेबकैम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लैपटॉप में बिल्कुल सेंटर में बीच में एक वेब कैमरा होता है जो इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग के लिए, चैटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन मोबाइल्स में फ्रंट कैमरा नहीं होता है उसमें वीडियो कॉलिंग में आपको परेशानी आती है, तो मेरे पास भी एक अलग से वेबकैम लगा हुआ है जो कि मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में ऐड किया गया है। आजकल शादी में आपको जो कैमरा मिलते हैं वो एक डिजिटल कैमरा है, क्योंकि वो एक रोल वाले कैमरा नहीं होते हैं, उनमें आजकल मेमोरी कार्ड वाले, चिप वाले कैमराज होते हैं, उन चिप वाले कैमराज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ से नोटिफिकेशन बार बार है आपके लिए, अटेंडेंस आप अपनी मार्क कर लीजिए, तो एक मिनट का टाइम लगेगा, आप अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर लीजिएगा अपनी। तो आप डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, आजकल रोल वाले कैमराज का इस्तेमाल नहीं होता है शादी में फोटोग्राफ्स या वीडियो के लिए। कुछ और डिवाइस जैसे कि OMR, OCR, BCR, QR, MICR, कोड रीडर्स। जी, आप में से किसी ने कुछ कहा? गुड इवनिंग सर। ओ अच्छा, गुड इवनिंग जी, बताइए। Nothing sir, I have joined just right now. So you are disturbing me, sorry. Okay, sorry sir. आप कोई भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं ज्वाइन कर लीजिए, मुझे ओके फाइन। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट इनपुट डिवाइसेस। तो अभी ये जो OMR OCR है इनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूँगा। गेम पैड है जो फास्ट गेम आप खेलते हो, कार रेस वगैरह खेलते हो, उसके लिए गेम पैड, या फिर आप ट्रैकर बॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कुछ इनपुट डिवाइसेस है जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर्स में किया जाता है। और भी है जैसे टच स्क्रीन है जो आप ATM पर देखते हैं, आजकल मॉनिटर भी टच स्क्रीन वाले आ गए जिनको आप टच कर करके कमांड देते हैं, तो वो भी एक डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन एक इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस है।
अब हम बात करेंगे OMR, OCR ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, MICR। मैं चाहता हूँ पहले आप इनकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको डिटेल बता पाऊँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये मीटिंग मैंने लॉक कर दी है, अब लेट आने वाले आपके साथी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और अगली बार से मैं इसको सही, कितने महीने का कोर्स है, 1 मंथ का कि 2 मंथ का है? क्लास के बाद बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? अभी जो टॉपिक चल रहा है आप इसको कवर कीजिए पहले। अच्छा, तो इसके बाद अभी जो हम बात कर रहे थे आपके MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आपने देखा होगा कि मार्केट में कई बार आपके पास डुप्लीकेट नोट आ जाता है, एक काउंटरफेट नोट आ जाता है, बोगस जाली नकली आता है। अच्छा, कभी आपने सुना है कि आपके पास एक चेक नकली आ गया हो? नकली साइन सुने होंगे लेकिन आपने चेकबुक नहीं सुनी होगी कि चेक नकली आ गया है, सुना है कभी? नो सर। नहीं, जैसे ही आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में कैशियर को आप चेकबुक देते हैं, अपनी चेक देते हैं, वो क्या करता है, एक रजिस्टर में रख करके आगे भेज देता है वो खिड़की से। खिड़की से अब आपको टोकन मिल जाता है। क्या होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन में चेक पर लिखा हुआ नंबर चेक किया जाता है। एक खास तरीके का कैरेक्टर होता है जिसको मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, उनको वो रीड करता है। तो चेकबुक पर जो चेक नंबर होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं और उनको पढ़ने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसी मशीन जो उसे चेक करे वो कहलाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऐसे कैरेक्टर्स को पढ़ने वाली डिवाइस। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना SSC के एग्ज़ाम, JBD के एग्ज़ाम, JBT के एग्ज़ाम, CCP के एग्ज़ाम अपने स्कूल्स में दिए होंगे। दिए आपने एग्ज़ाम? उन एग्जाम्स में आपकी जो आंसर शीट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, देखा आपने? बिल्कुल। अब आपको क्या करना होता है, राजीव सर स्टॉप दिस क्लास फॉर 1 मोमेंट, लेट देम फिनिश देयर अटेंडेंस। ओके, ओनली 4 ऑफ देम हैव मार्क देयर अटेंडेंस। यस सर। नॉट एबल टू मार्क अटेंडेंस। व्हाई सर? उसमें शो ही नहीं हो रहा एक्चुअली। आफ्टर क्लिक, एक्सक्यूज मी सर, यस सर, इंटरप्ट यू, बट आफ्टर क्लिकिंग दिस लिंक इट इज ओपनिंग, बट देयर इज रिटन दैट यू हैव ऑलरेडी रिस्पोंडेड। यस सर। एंड लिखा सर उसमें ट्राई कॉन्टेक्टिंग द ओनर ऑफ द फॉर्म इफ यू थिंक दिस इज अ मिस्टेक। ओके, मल्टीपल एंट्रीज वो सेम डे में हो रहा होगा ना, पिछली अटेंडेंस सेम रिकॉर्ड। नाउ यू कैन डू इट, प्लीज गो अहेड। अब आप देख सकते हैं हमने काफ़ी आपके साथियों को बाहर कर दिया है, मैसेज नहीं जा रहा है क्योंकि वो क्लास में एक तो टाइम से नहीं आ रहे, दूसरा वो लोग अपनी अटेंडेंस फिल नहीं कर रहे, तीसरा वो लोग इंग्लिश की क्लास में रेगुलर नहीं है, इसीलिए। और जो हमारे साथी पूछ रहे थे कि ये 1 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, तो इस सवाल का जवाब हम इंट्रोडक्टरी क्लास में दे चुके हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे जितने महीने आप पढ़ना चाहते हैं। सर, उस दिन की क्लास पे किस टॉपिक की बात होगी सर, क्या बताओगे? किस क्लास की बात आप पूछ रहे हैं? सर, अभी नेक्स्ट क्लास है, मैंने नहीं ले बात, क्योंकि लोग मैंने
640 पे लेने वाला तो लोक हो गया था सर, मुझे ये नहीं पता पिछली क्लास में क्या हुआ था, उससे पहले की सारी क्लासें ली है मैंने। सही है, वेट कीजिएगा रिवीजन क्लास का, हम रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे। हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, ऐसी मशीनें डिवाइस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पिछली क्लास में हमने कीबोर्ड माउस के बारे में बात की थी और अब हम आगे कर रहे हैं बातचीत। बाकी अगर इसमें आपके कोई फ्रेंड है तो उनसे आप नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं रिवीजन क्लास में इसको कवर करा दूंगा। मनु सर अपडेट है? 10 बच्चों ने भरा अभी तक। सर मेरे पे ओपन नहीं हो रहा, इससे पहले लिखा आ रहा था यू आर रिस्पॉन्स ऑलरेडी सबमिटेड। चलिए कोई बात नहीं, जिससे हो पा रहा कीजिए, बाकी मैं देखता हूँ इतना, लेकिन कोशिश कर लीजिए क्लास से पहले। लिंक एक बार रीसेंड किया गया है, आप एक बार चेक कर लो। चलिए बाकी शुरू करते हैं, इन बिटवीन आप भरते रहिएगा। तो क्या होता है कि लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, अब वो एग्ज़ाम की आंसर शीट चेक करने में हमें महीनों लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि एक टेक्निक ली जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होता है एमसीक्यू टाइप के, उनमें हम डिवाइस ओएमआर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। वो निशानों को पहचानता है, इसीलिए आपको एडवाइस की जाती है कि आप कभी भी पेंसिल का इस्तेमाल करें तो HB पेंसिल का इस्तेमाल करें, और एक लाइन में दो आंसर ना दें। ये तो देखो सैंपल डाला है मैंने, सैंपल में हमने दो दो किए हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया कि भाई ये जो आप आंसर दे रहे हैं इसमें सही कौन सा आंसर है, मेरी ओरिजिनल आंसर शीट से वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए एक लाइन पर एक ही निशान होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। देन अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो हो गया BCR, बार कोड रीडर। आप अभी देखेंगे आपके पास एक अच्छी बुक है या नोटबुक है या एक अच्छी क्वालिटी का पेन है, उस पर आपको ये बार कोड ज़रूर दिख रहा होगा। ये जो हमारा BCR है, बार कोड रीडर, ये किसी को दिखा उनकी नोटबुक पर? यस सर। बिल्कुल। अब ये क्या होता है कि ये एक इंफॉर्मेशन है, एक प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कल सुबह हमने आपको एक मॉल पे भेजा जॉब के लिए, और मॉल में आपकी जॉब लग गई बिग बाजार में। अब आप वहाँ जॉब करने गए और पहले दिन आपको लाखों प्रोडक्ट मिल गए। अब सारे प्रोडक्ट के प्राइस याद रखना, उसका मटेरियल याद रखना, एक्सपायरी डेट याद रखना, ये बड़ी डिफ़िकल्ट होगी, और सब चीज़ें आप पलट करके देखते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, क्योंकि मॉल में कस्टमर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। नॉर्मल शॉप पे तो हो जाएगा, आपने एक टूथपेस्ट मांगा, पीछे से प्राइस देख करके एक्सपायरी डेट देख करके आपको दे दिया गया, लेकिन मॉल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो कस्टमर को टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं बार कोड रीडर का, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कंप्यूटर में फीड कर दी जाती है। जिस दिन वो प्रोडक्ट आता है इन्वेंट्री सेट की जाती है, और बार कोड से उसको एक टॉर्च की तरह स्कैन कर लिया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पर आ जाती है। इसके बाद में आजकल QR कोड रीडर, QR कोड तो बड़ा पॉपुलर है, क्विक रिस्पॉन्स। अब आपका मोबाइल फ़ोन एक QR कोड रीडर है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स ये बहुत तेज़ी से काम करता है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दे देता है, जो इन्फॉर्मेशन इस QR पे स्टोर की गई है। इसके बाद आ जाता है एक OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ये निशान पहचानेगा, ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, ये क्विक रिस्पॉन्स है, ये मैग्नेटिक इंक को पहचानेगा, लेकिन OCR लिखे हुए कैरेक्टर को रीड करता है, स्कैन करता है। आप में से शायद कुछ लोग पहले बिजली का बिल बिजली दफ्तर में भर के आते होंगे,
तो वहाँ काउंटर पे आपने बिल दिया, ऊपर से एक लाइट स्कैन करती है और वो स्केल से फाड़ करके रिसीविंग आपको दे देते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि कैरेक्टर है, अब आप देखेंगे तो इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें नंबर भी दिए गए हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, ये देखिए। तो इन सबको रीड करने के लिए आपको एक डिवाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी इनपुट डिवाइस आपको एक जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो वहाँ पर कंपनियाँ ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग देगी। ये होगा कि अच्छा आप हमारे यहाँ जॉब कीजिए, आपको ओएमआर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आपने देखा वैकेंसी है, ओएमआर की जानकारी होनी चाहिए, अब आपने नाम ही नहीं सुना है तो फिर तो आप उस पर काम भी नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट अभी आपको सारी इनपुट डिवाइस यहाँ पर पता है, जानकारी है, जो मैंने आज से लेके पिछली क्लास तक आपको कराई है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइस यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि मिर्ची तीखी है, ठीक है, स्पाइसी होता है, तीखी है, आपको कैसे पता चलेगा कि मिर्च तीखी है? कोई तरीका है आपके पास जो पता चल पाए कि मिर्च तीखी है? टेस्ट करके। और जरूरी है कि सर व्हाइल स्मेलिंग एंड कट बाय कट यू कैन चेक इट। ओके, वेरी गुड। डू यू थिंक दैट कि अगर मैं मिर्च नहीं खाऊंगा तो भी मुझे पता चल जाए ये तीखी है, या मेरे पास मिर्च नहीं है तो भी? सर किसी अदर पर्सन का। ओके, दैट्स राइट। अब जरूरी तो नहीं है कि बिजली के बोर्ड में हाथ लगा करके चेक किया जाए कि इससे करंट लग सकता है, नहीं ना? तो क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आउटपुट आपको मिलती है, या तो आप उसे देख ले, या तो आप उसके बारे में सुन ले, या फिर आप उसे छू करके पढ़ करके जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्राइम तीन आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में, जो कि मैंने आपको पीछे बताया भी था चार्ट में। उसमें पहला है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बहुत सारे हमारे साथी इसको VDU कहते हैं, कुछ लोग इसको स्क्रीन कहते हैं और कुछ लोग इसको मॉनिटर के नाम से जानते हैं। ये एक डिवाइस होती है जिससे विजुअली आंखों से देख करके आउटपुट नज़र आती है आपको, कोई वीडियो, टेक्स्ट फाइल, जब कोई ई बुक आप पढ़ते हैं, वो सारे आपको मॉनिटर के माध्यम से मिलते हैं। ये जो हमारा मॉनिटर है, ये मॉनिटर आम तौर पर चार अलग अलग टाइप के हैं, जो मार्केट में पांचवा टाइप भी आ चुका है। पहला टाइप है AMD, एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले आपने देखा होगा, अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन देखी होगी जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दूसरा है CRT, तीसरा है LCD, चौथा है LED, पांचवा जो है वो प्लाज्मा पैनल है। तो साइंटिस्टों ने AMD बनाया, फिर और आविष्कार करके उन्होंने CRT बनाए, CRT के बाद LCD बनाया, और LCD के बाद LED बनाया, और आजकल प्लाज्मा पैनल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा पैनल थोड़े से कॉस्टली हैं, वजन में भारी है, साइज बड़ा है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT? आई विल टेल यू एवरीथिंग, वेट लेट मी फिनिश। सो प्लाज्मा होगा। अब हम देखते हैं ये देखने में मॉनिटर्स कैसे होते हैं और इनकी विस्तृत कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। So now I'm going to tell you about everything here. So look at this now. So यहाँ पर हमारे पास है AMD, ये देखिए। AMD में बेसिकली क्या होता है कि ये एक ही कैरेक्टर से सारे कैरेक्टर बना सकता है। वही नंबर 0 बन जाता है, वही नंबर 8 बन जाता है, और वही नंबर मूव करके 9 बन जाता है, ठीक है। एक्टिव मैट्रिक्स
डिस्प्ले, यहाँ पर ये स्क्रीन आपको ब्लैक में दिख रही है, कैलकुलेटर आपने देखा होगा, और आजकल आप बस के अंदर भी देखते हैं, बसों में भी नंबर शो कराने के लिए, डेस्टिनेशन रूट शो कराने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, डॉटेड लाइट होती है और उसी से वो कैरेक्टर बना रहा होता है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती है, ये आपको एक साफ तस्वीर नहीं दिखा सकता है, एक कैरेक्टर दिखा सकता है, एक इमेज दिखा सकता है जो कि धुंधली होती है, ब्लर होती है, डॉट से बनी हुई होती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे बसेस के अंदर हो गया, कैलकुलेटर में हो गया, या ट्रैफिक सिग्नल पे ग्रीन होते ही एक आदमी भागने लग जाता है, वो ऐसे ही सिग्नल्स पर इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट इज CRT। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है वो कैथोड, CATHOD, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे RAY एंड ट्यूब दैट इज ट्यूब लाइट, कैथोड रे ट्यूब, तो ये हमारा CRT है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक पिक्चर ट्यूब होती है, इलेक्ट्रोगन से फायर किया जाता है और वो तस्वीर दिखा देता है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती है, इसके चारों एंगल इस तरीके से अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, तो आपको ये बेलनाकार दिखाई देता है, बेलन के टाइप में दिखाई देता है, तो आंखों पे इफेक्ट ज़्यादा डालता है। आजकल हम इसका इस्तेमाल करते भी नहीं हैं, आजकल हम लोग LCD का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले CRT से बेहतर क्वालिटी, फ्लैट TFT कहा जाता है, चारों साइड से इक्वल और शार्प तस्वीर दिखाता है। वजन इसका कम होता है, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है और स्पेस कम लेता है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे सर AMD आउटडेटेड है, CRT आउटडेटेड है, अब LCD भी आउटडेटेड है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं LED का, लाइट एमिटेड डायोड का, LED का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लाइट एमिटेड डायोड जो है हमारा वो ही लेना चाहिए, लाइट एमिटेड डायोड। अब क्या होता है कि जो LCD है उसको आप देखोगे तो जरा भी दाएं बाएं होते हो तो वो आपको स्ट्रेट रहने पर ही तस्वीरें दिखाएगा, पिक्चर साफ दिखाएगा, वरना धुंधला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जबकि आप देखिए LED को, वो चारों एंगल से आप कॉर्नर पे भी हैं तो भी आपको ये अच्छी तस्वीर देखेगा, दिखाएगा, हाई रेजोल्यूशन होता है। आप किसी दिन किसी कंप्यूटर मार्केट में चले गए और कंप्यूटर मार्केट में आपने क्या किया कि आपके बॉस ने, मतलब जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, उन्होंने कहा चलो एक नया मॉनिटर खरीदते हैं और उसके बाद में हम अपनी जगह पर नया मॉनिटर लगाएंगे। दुकानदार ने कहा अच्छा एक काम करो ना सर, आप ये ले लो मॉनिटर, 3,000 रुपये का है CRT, और आप LED लोगे, आज वो LED ना 6,000 रुपये की है। तो आपका बॉस कहेगा कि ठीक है 3,000 वाला ले लेते हैं, तब आपको उनको एहसास कराना पड़ेगा कि सर इससे अगर आप बोलते हो आई साइड वीक होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको कुछ और फैक्टर, पॉजिटिव पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि अगर सर इस मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे तो जितना एक साल में बिजली का बिल आएगा LED में, उसका बिल बिल्कुल ना के बराबर आएगा। दूसरा, ये स्पेस कम लेता है, जगह कम लेगा, तो आप जितने ज़्यादा मॉनिटर चाहें लगा सकते हैं कम स्पेस के अंदर। तो ये एडवाइस आपको देनी पड़ेगी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर में उसकी रीसेल वैल्यू भी होगी। आज का मॉनिटर CRT कोई नहीं खरीदता है, ये 300-400 रुपये में स्क्रैप डीलर कबाड़ी वाले ले जाते हैं, बाद में उसको खोल खाल करके एक छोटा TV बना के दूर दराज गाँव में जहाँ पर अभी बिजली पहुँची है वहाँ पर छोटा TV बना करके बेच देते हैं किट लगा करके, वरना CRT आज के टाइम पर आउटडेटेड है, राइट। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा मॉनिटर कब कहाँ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्लाज्मा पैनल, जो कि आउटडेटेड है, उसका इस्तेमाल हम करते ही नहीं हैं।
सॉरी माय मिस्टेक, प्लाज्मा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन एलईडी के बाद वो आया, तो एलईडी के बाद उसको थोड़ा साइज में कम होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, सस्ता होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। इस वजह से उसका इस्तेमाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल एलईडी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे तो आपको ये प्लाज्मा पैनल के टीवी स्क्रीन्स दिख जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंटर्स के बारे में। अभी तक हमने बात की मॉनिटर के चार प्राइम टाइप, AMD, CRT, LCD और LED के बारे में। तो एक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, इसके बाद में दूसरी आउटपुट डिवाइस जो है हमारी वो है प्रिंटर, एक कागज पर छपा हुआ कैरेक्टर, यानी कि ये हमें देता है हार्ड कॉपी। मॉनिटर हमें देगा सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। प्रिंटर के दो टाइप हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले इसी के बारे में बात करते हैं। एक प्रिंटर छापने के लिए किसी तरीके के प्रेशर, बल, फोर्स, प्रहार का प्रयोग करता है, उस प्रिंटर को कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। नाम से पता चल रहा है इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस 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 ऑन दिस, राइट। तो ऐसे प्रिंटर दूर से पहचाने जा सकते हैं। ऐसे प्रिंटरों में आवाज़ ज़्यादा होती है, साइज बड़ा होता है, किर 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 चर 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 चर, ऐसी आवाज़ आपने सुनी होगी। अगर आप किसी सरकारी बैंक में यानी कि SBI में गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो प्रिंटर उनको मिलता है वो एक प्रिंटर होता है जिसको हम कहते हैं DMP, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ। या फिर आप रेलवे स्टेशन गए हो तो आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया हो, तो प्लेटफॉर्म टिकट जब आप लेते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होती है, बहुत हल्की डॉटेड लाइन से बनी होती है, क्योंकि ये जो प्रिंटर है ये इसमें छापने के लिए कैरेक्टर का इस्तेमाल डॉट 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 करके बनाते हैं, तो इसलिए आपको कैरेक्टर नज़र आने लग जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आजकल आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आउटडेटेड है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर को इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ, DMP कुछ जगह पर अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। ये कुछ ऐसा ही जैसे टाइपराइटर होता है। प्रिंटर, प्रिंटर के आगे कागज, कागज के ऊपर आपका कार्बन, और कार्बन के बाद में वो पिन, जो पिन जिस पर कैरेक्टर्स होते हैं, और जैसे ही वो पिन लेटर टकराता है कार्बन से, वहाँ जो हैमर होता है वो उसको प्रेस करता है और वो कैरेक्टर कागज पर छप जाता है। हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर शोर नहीं करते, साइज में छोटे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है और स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिसमें आता है LJP, लेज़र जेट प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर आपने देखा होगा, फोटोकॉपी की मशीन देखिए आपने। ठीक है, फोटोकॉपी की मशीन में क्या होता है, पेपर जाता है और पेपर दूसरी जगह से रोल होकर के वापस आता है। लेज़र प्रिंटर के अंदर, लेज़र जेट प्रिंटर के अंदर एक कार्टेज लगी होती है, टोनर कार्टेज जो है, उस कार्टेज में केमिकल पाउडर भरा होता है और वो केमिकल पाउडर उस कागज पर गिरता है, तो इसलिए कागज खुरदरा होता है, वो केमिकल पाउडर उस पर गिरता है और उसके अंदर एक रोलर होता है जिस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। टेफ्लॉन मतलब आपके घर में जो नॉन स्टिक कुकवेयर है, ऐसा तवा, फ्राइंग पैन जिसमें कोई खाने की चीज़ चिपकती नहीं है, जलती नहीं है, वो जो शीट लगी होती है वो टेफ्लॉन होती है, वही टेफ्लॉन इसमें होती है। अब आप सोचिए, एक कागज के ऊपर आपने ब्लैक कलर का एक केमिकल डाला और उसको आयरन से प्रेस कर दिया तो वो कागज के अंदर केमिकल फंस जाता है। इसीलिए जब कभी आप अपने न्यूज़पेपर को जलाते हो तो क्या होता है, जलने के बाद में क्या कुछ कुछ लिखा हुआ नज़र आता है उसमें,
ध्यान से जला के देखना आज. सर यस ठीक है. एवरीथिंग इज विजिबल स्टिल आफ्टर जलाने के बाद. दैट इज अंटिल इट बिकम्स द एश. इफ यू आर टचिंग दैट इट विल बी यू नो दैट डैमेज्ड. बट अंटिल दैट इट शोज दैट समथिंग इज रिटन देयर वी कैन नॉट रीड दैट. ओके तो वो लगता है कि कोई चीज़ है. अच्छा उसी न्यूज़पेपर को पानी में गीला करो तो क्या होता है, क्या वो अपना कलर छोड़ देता है न्यूज़पेपर? नहीं, जो हमारा न्यूज़पेपर ब्लैक एंड वाइट आता है उसकी स्याही नहीं फैलती है द इंक, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर इंक नहीं है, वो केमिकल पाउडर है. इसीलिए जब आपकी फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकलती है और आपका पेज खराब हो जाता है तो वहाँ पर काली काली लाइनें दिखाई देने लग जाती है, वो वेस्ट केमिकल पाउडर होता है. ठीक है, तो उससे आपका प्रिंट आउट निकल के आता है. इसीलिए जब आपका सर्दियों में पेपर प्रिंट होके निकलता है तो वो गर्म निकलता है, कई बार उसमें से धुआं निकल रहा होता है क्योंकि वो जो रोलर है वो उसको गर्म करता है, हीट निकलती है और वो उसकी नमी जो है मॉइस्चर वो निकाल देता है. तो इस तरीके से वो काम करता है. अच्छा अब इधर कलर प्रिंट आउट आ जाते हैं. ये वाला प्रिंटर तो हमने ले लिया, वो ले लिया हमने ब्लैक एंड वाइट के लिए. ठीक है, अभी हमारे पास कलर प्रिंटर भी है. कलर प्रिंटर यहाँ पर इंक जेट प्रिंटर है, IJP. इंक जेट प्रिंटर में क्या होता है, जो कलर टोनर्स होते हैं वो दो कलर की डब्बियाँ लगी होती हैं छोटी छोटी, एक में भरा होता है ब्लैक कलर और एक में भरा होता है आपका RGB, रेड ग्रीन ब्लू. इन कलर के कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर बनाया जा सकता है. अब क्या होता है, लास्ट 5 मिनट का समय बचा हुआ है, 4 मिनट 47 सेकेंड. तो जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है वो कलर प्रिंट देता है, इसीलिए जब प्रिंट आउट निकलता है तो वो गीला होता है लिक्विड, उसमें क्या होता है कलर ड्रॉप कागज़ पर गिरती है और वो स्याही फैल जाती है, उससे कैरेक्टर बनता है. इसीलिए जब कभी आप अपना फोटो पासपोर्ट साइज या पोस्ट कार्ड साइज लाते हैं तो उसको कहा जाता है इसको अंगूठे से मत छुओ. हम क्या करते हैं उसको साइड से पकड़ते हैं, नोटिस किया आपने? Yes, sir. उसको yes, बीच sir. में पकड़ते हैं sir, तो हमारा हाथ में लग जाता है, हाँ थंब इम्प्रेशन आ जाता है उस पर, अंगूठे का निशान. और काफी टाइम बाद वो पुरानी हो जाती है तस्वीर तो नमी की वजह से फोटो चिपक जाती है आपस में कलर की वजह से. और ऐसा नहीं कि आपने कोई न्यूज़पेपर रख दिया हो सालों साल और वो चिपक गया हो, नहीं, क्योंकि वहाँ केमिकल पाउडर है और यहाँ पर लिक्विड है तो लिक्विड नमी की वजह से हवा में जो पानी है मॉइस्चर है उसकी वजह से वो उसको गीला कर देता है, वो मॉइस्चर चिपका देता है उसको. इसीलिए अब ये डिपेंड करता है कि आपको प्रिंट कैसा निकालना है. बहुत ज़्यादा प्रिंट निकालना है तो लेज़र जेट प्रिंटर का इस्तेमाल कीजिए, कम प्रिंट निकालना है इंक जेट का इस्तेमाल कीजिए. मेजर दो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. तीसरा इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ना वो है आपका इसमें थर्मल जेट प्रिंटर. वो एक्चुअल में मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है थर्मल जेट प्रिंटर. उसमें क्या होता है लोहे की निडिल होती है, खास तरीके का ब्राउन पेपर होता है. दिल की रिपोर्ट जब आती है ECG रिपोर्ट तो उसमें क्या होता है निडिल से कैरेक्टर बनता है और ब्राउन पेपर में केमिकल होता है वो उभर करके बाहर आ जाता है, इसलिए आपको कैरेक्टर उभरा हुआ नज़र आता है. आम ऑफिसेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं आपका लेज़र जेट प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट के लिए. अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मैं अगली क्लास में कवर कराऊँगा CPU के बारे में. असाइनमेंट अभी मैं पूरे नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक सिर्फ दे रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ आपके लिए. असाइनमेंट बाकी मैं आपको बाद में दूंगा. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, टाइम कम है. और अगर अभी हमने CPU नहीं पढ़ा है तो CPU से रिलेटेड क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, फुल फॉर्म्स लिख लेंगे जो भी हमें याद है. इनमें कुछ चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई है वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तो ये बाकी फुल फॉर्म भी हो जाएगी.
अच्छा, आप एक लगभग 2-1.5 मिनट का समय है, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जो सर आपने QR वाला बताया था ना, एक बार आप रिपीट कर दोगे? जी, जैसे ही आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के लिए वहां पर एक स्टिकर लगा होता है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, तो आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन कर देते हो। वो होता है उसका QR कोड होता है, वो क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो आप चाहें तो अपने नाम का या अपनी पर्सनल प्रोफाइल का भी QR कोड बना सकते हैं। जब कोई उसे स्कैन करेगा तो आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर क्लास का एक QR कोड बनाते हैं, जब भी आप उसे स्कैन करेंगे तो उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि तो वैसे मैंने मान लो इस असाइनमेंट का एक QR कोड बना दिया। अब असाइनमेंट नहीं दिखेगा आपको, QR कोड दिखेगा छोटा सा, उसको स्कैन कीजिए, क्वेश्चन पेपर पूरा आ जाएगा आपको।